सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। ये खेत सिर्फ खेत नहीं है, ये आपकी मेहनत का रंग है, आपके बच्चों का भविष्य है, खुशहाल जिंदगी का प्रतीक है। इस पूंजी का मोल पैसों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से होता है, और इस जिम्मेदारी में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बायर तैयार है। पिछले 150 सालों से विज्ञान से जिंदगी को बेहतर बना रहा है बायर। खेतों और किसानों को आधुनिक तरकीबें देकर उनके आज और कल को तरक्की की ओर बढ़ा रहा है, खास तौर पर धान की फसल में जहां भारत अपने शिखर पर है। धान में सबसे मशहूर खुशबूदार लंबे दानों वाला बासमती यहीं की मिट्टी से तो आता है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में धान एक महत्वपूर्ण फसल है। एक्सपोर्ट और भविष्य की नजरों से भी ये नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कीमती फसल को हर खतरे से बचाए रखें, खासकर जब धान की फसल 30 से 45 दिनों की हो, तब उस पर खास ध्यान देना चाहिए। इन दिनों तना छेदक सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी धान की फसल पर अपनी नजरें जमा कर बैठती है। आपके बोए हुए बीज उगने के कुछ दिन में तना छेदक सुंडी फसल को नुकसान पहुंचाती है। ये आपकी पूरी फसल को नष्ट भी कर सकती है, जिन्हें हम डेड हार्ट या व्हाइट हेड भी कहते हैं। ये दोनों कीट अपनी 2-3 पीढ़ी इसी कार्य में लगा देते हैं और बीज के हर स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों को मारने के लिए सबसे सही समय है 30 से 45 दिनों का। तना छेदक सुंडी पत्तों के कोने पर एक साथ 200 से 300 अंडे देती है। सिर्फ 4 से 5 दिनों में वो नन्हे शैतान जैसे कहर मचा देते हैं, पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पत्ता लपेट सुंडी के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है। वो एक साथ करीब 100 अंडे देती है और 3 से 6 दिनों में करीब 40% उपज में नुकसान करा देती है। इनको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? बीज की रोपाई के 30 से 45 दिनों में ही पहले 8 से 10 किलोग्राम के बोरे लादकर मुश्किल से कुछ मजदूर ढूंढकर खेतों में कीटनाशक छिड़कते हैं। अगर कीट आपसे एक कदम आगे निकले तो सिर्फ छिड़कने से काम नहीं बनेगा। इसके अलावा आप सिंथेटिक पायरोथ्रॉइड या ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी पुरानी केमिस्ट्री स्प्रे भी करते हैं, जो पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी हानिकारक है। इतनी मेहनत परेशानी उठाने का नतीजा क्या? महज 3 से 4 दिनों में सारे कीट वापस आ जाते हैं। फिर वही काम, ना दिन में आराम ना रात में चैन। अब जरा सोचिए, इतनी सारी मेहनत के बजाय अगर आपको एक छोटी बोतल में बहुत ही कम मात्रा में इन कीटों का मुंह तोड़ जवाब मिले तो, जो है 3 से 4 गुना ज्यादा असरदार, जो 8 से 10 किलोग्राम बोरे में नहीं बल्कि मिलीलीटर में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात, ये आपकी सेहत और पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। पेश है बायर का फेम। ये सीधे कीटों की मांसपेशियों पर असर करता है, तुरंत उन्हें नाकाम कर उनका खाना बंद करवा देता है। इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। बायर का फेम 3 गुना असरदार, 10 से 12 दिनों की सुरक्षा। रोपाई के 30 से 45 दिनों तक इसे इस्तेमाल करें और सेहतमंद फसल पाएं। सही मात्रा बायर के रिप्रेजेंटेटिव या बायर डीलर कीटों की ताकत का अंदाजा लगाकर आपको बता देंगे। वैसे 6 से 7 मिलीलीटर 15 लीटर के टैंक नैपसैक स्प्रे पंप के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये किसान, फसल और पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। 10 लाख एकड़ से भी ज्यादा और हजारों खुशहाल किसानों से मान्यता प्राप्त। आप बीज बो चुके हैं, ये बात तनाछेदक सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी को पता चल चुकी है।
वो आपकी मेहनत पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप उन्हें दावत देंगे या फिर मुंह तोड़ जवाब? सोचिए मत, आज ही अपनी लहराती फसलों को तना छेदक सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी से बचाएं फेम के साथ। बायर का फेम, फेम की शक्ति, सुंडियों से मुक्ति, वो भी लंबे समय तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिखट इंडिया चैनल को।